तो आ गए हैं जी नीचे और देख सकते हैं माँ ने जो है अपना किचन एकदम अलग कर लिया है। ऊपर में जो हम लोगों का किचन था उससे माँ ने अपना अलग किचन कर लिया है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी। स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी अभी बज रहे हैं दिन के 11:15 और क्रियान से हमारा नहा चुका है और अब इसके सोने की बारी थी। हाँ, लेकिन क्रियांश जो सोएगा नहीं है अभी, क्रियांश को अभी बदमाशी करना है और हमको जो है जाना है पापा को कोर्ट छोड़ने के लिए। तो क्या पापा चाहिए? पापा के पास आएगा ये? पापा के पास आना है, पापा के पास है, बोलता है माँ। हाँ तो उसका दूध भी आ गया है क्रियांश का, तो जल्दी से इसको दूध पिला दो, शायद तभी सोएगा ये। हाय करो सबको हाय। बोलो मैं दूध पी लिया लेकिन छोऊंगा नहीं। क्रियांशी सबको हाय करिए। हाय कैसी कर रही हो क्रियांशू? बाल बना दे कान्हा जी। बाय क्रियांश, जा रही हूँ मैं मामा के साथ रहो, ठीक है? बाय कर रही होती है अपना घूम घूम के मुझे दिखा रहा है। The next day. अभी हम लोग सोए थे और हमारा क्रियांश उठ गया। ये आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है तो मैच चलेगा, क्रियांश मैच देखेगा। इदी चल गया। हाथी राजा, इको एलिफेंट, और क्रियांश को मैं बहला रही हूँ ताकि मैं इसकी चोटी बना पाऊँ। तो क्रियांश के बाल हो गए हैं बड़े बड़े और ये जो है चोटी बनाने नहीं देता है। ये कैसे कि टीवी चलता रहेगा तो ये बाल बनवा लेगा, और टीवी आजकल इसको देखने को नहीं मिलता है क्योंकि इसके पापा ने मना कर दिया, टीवी नहीं देखेगा ये, तो ये कुछ करने नहीं देता है। बिल्कुल, टीवी छोड़ के बाकी सब कुछ करे, कोई दिक्कत नहीं है। टीवी बिल्कुल भी नहीं चलता, तब चलता जब ये बिल्कुल खाना नहीं खाता है, दिन भर खाना नहीं खाया है, तो टीवी चला के हम इसको खाना खिलाते हैं। और आप में से बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि दाल चावल जो है उसको पीसे नहीं और उसे खिलाएं। उसे खाता ही नहीं है जी, और खाता भी है तो बहुत कम खाता है, एक दो बार मुंह में ले लिया बस बात खत्म, और ऐसे जो भरपेट खा लेता है वो, क्योंकि वो इसको दो ऊपर दांत आई है, दो नीचे, चार ही है तो चबा नहीं पाता है, इस वजह से ये फेंक देता है। सोचते हैं जैसे भी खाता है बच्चा, खाओ बस तुम खाओ। बाय प्रियांशी। बाय प्रियांशी। बाय। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? दादी पास जा रहे हो? भाई क्या भाई, तो आता है बेटा, ये लग जाएगा। जा मामा के साथ घूमी घूमी कर क्या, ठीक है? तो मम्मा रूम ठीक कर लेगी तब तक। आपने जो रूम गंदा किया है ना, मम्मा ठीक कर लेगी तब तक। बाय क्रियांश। बाय। जय जय। बाय क्रियांशी। क्रियांश चला गया नीचे घूमने के लिए, तो यही मौका है कि मैं जल्दी से अपना बेडरूम ठीक कर लूं, क्योंकि क्रियांश और क्रियांश के पापा दोनों ने मिलके रूम का दिया मतलब मैसी मैसी कर दिया, तो चलते हैं जल्दी से ठीक करते हैं। आया था तो ये देख सकते हैं हमारे बेडरूम का क्या हाल है और मेरे बेड का, इसी पे आपको सब कुछ मिलेगा। ये पानी पियेंगे तो गिलास भी यही रखा हुआ मिलेगा, और काम करेंगे तो चश्मा भी आपको बेड पे ही मिलेगा। बाद में हमारे बेटे का नाम लगाते हैं कि तुम्हारा बेटा चश्मा तोड़ देता है मेरा, तो ये देख सकते हैं इनका चश्मा, सब कुछ यही मिलेगा। और ये लेटे कैसे हैं कुछ ऐसे स्टाइल में, तो जल्दी से बेड से उतरिए और मुझे बेड ठीक करना है, क्रियांश नीचे गया है। और यहाँ देख सकते हैं क्रियांश के कपड़े और ये खिलौने कुछ फैले हुए, तो आपको लग रहा होगा ये क्रियांश के कपड़े क्यों बोलिए, क्योंकि इसमें ना मैंने क्रियांश को कुछ कपड़े दिए हैं जो कि वो फैलाता है, और उसको कुछ काम नहीं मिलता है तो मैं ये दोनों दे देती हूँ, वो बैठ के ऐसे करते रहता है, सब कुछ फैला देता है, फिर मैं ठीक कर लेती हूँ। यहाँ पे रिमोट है इनका, बर्ड्स है, बर्ड्स में बर्ड्स है कि नहीं है इसमें, आपको देख सकते हैं इसमें कुछ नहीं है, इसको भी ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ रखा है। एक यहाँ है, एक तो खो ही गया। खासा बाहर घूम रहा था क्रियांश, यहाँ क्यों आ गया? और यहाँ आते ही तबाही मचाना शुरू कर दिया, वो भी ड्रेसिंग टेबल पर मिलेगा, उसको जब फेंकता जाएगा। क्या चल रहा है? पा पापा इधर है, एनाम क्या देख रहा है? आ जा, यहीं पर है, तुम्हारे पास में ही है, और किधर जाना है बताओ? अच्छा, मामा की चूड़ी को सिर पर लेना है, ये गिर गया। बस अब कंघी उठेगा।
वाह कंघी करेगा क्रियांश, कंघी करेगा, आ गया कंघी करने। वाह क्रियांश बहुत समझदार हो गया। तो हमारा पूरा बेड ठीक हुआ, हुआ भी नहीं था, हमारा क्रियांश आ गया। हाय गाइस कर दो तो आ गया तबाही मचाने के लिए। हाँ इश बस हो गया, जाके लाइट बंद करेगा। हाँ कर दिया लाइट बंद। और आप में से बहुत लोगों का कमेंट आता है कि इसको तो स्विच बोर्ड के पास नहीं लेकर के जाइए, तो आप लोग सही कहते हैं जी, इसको लेकर के जाते भी नहीं है। इसके पास इसलिए जाता है क्योंकि वहाँ पर जो है छेद जो है उसका, उसमें प्लास्टिक का कवर लगा हुआ है, इस तरह से जो है वहाँ पर सेफ है। बाकी बोर्ड जहाँ भी कवर नहीं लगा हुआ है वहाँ क्रियांश नहीं जाता है। गीत गा रहा है पापा, पापा बाबा और पापा को एक बार मिक्स भी कर देता है पापा। और यहाँ आ गया है आइसक्रीम, तो आइसक्रीम एक एक करके खाते हैं। सबसे मांगता है लेकिन खाता नहीं। क्या हो रहा है? तो इधर चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का मैच और इधर क्रियांश को देख सकते हैं। क्रियांश गाल में क्या लगाया आपने? क्या लगाया है? क्या बोल रहे हैं आप? कुछ नहीं, क्रिकेट देख रहे हैं, क्रिकेट वाली बातें। ये देख सकते हैं इधर नाश्ता चल रहा है, क्रियांश जो उठा उठा के बेड पे छीट रहा है। अभी मामा बेड ठीक किया ना? मामा क्या बोल रहे हैं? चलो ये खा। लुलू के बेटा एक आईएएस आईपीएस डॉक्टर कलेक्टर एक मुखिया भी बन जाएगा। तो भैया खेला पीला सुखला और बाय बाय करो एक बार। तो अभी हमने अपना पूरा रूम ठीक किया था और अभी आप देख सकते हैं हमारे रूम का ये क्या हाल है। ये सब जो है क्रियांश के पापा और क्रियांश का कमाल है, सबसे सब क्रियांश ने किया है। और हमारे बेड पे देख सकते हैं अभी पूरा गंदा फैला दिया इन सब ने मिलके, तुरंत ठीक किया था हमने, आधा घंटा भी नहीं हुआ हमारे बेड का ठीक किया हुआ। क्या कर रहा है? जय कर दो सबको, जय कर। जय कैसे आएंगे? मोबाइल से निकल के आएंगे तुम्हारे पास सब, किसी के गोद में दो मिनट नहीं बैठना है, घूमना है और अपने मन का काम करना। बस बस ज्यादा गुस्सा आया तो जाकर के फैन को ऑफ कर देगा, लाइट को ऑफ कर देगा। इसको अपने बैलेंस नहीं बनता है तो नहीं उतरता है। देखिए बैलेंस बनेगा तब उतरेगा ये। देखिए फिर से ट्राई करेगा ये, देख रहे बैलेंस नहीं बन रहा है तो नहीं उतरेगा, वैसे उतर जाता है। यहाँ एक हमारा पार्सल आया हुआ है क्रियांश, इसको खोले, ओपन करे, ओपन करे इसको, बोलिए। हाँ ओके, तो इसको हम करते हैं ओपन, देखते हैं क्या है इसके अंदर। पापा इसके अंदर क्या है इसके अंदर क्रियांश जी? तो इसके अंदर देखो क्रियांश क्या है। तो ये देख सकते हैं करवा चौथ का थाली सेट है जिसमें लिखा हुआ है जियल लव शाश्वत, और इसमें हमारे और पतिदेव का फोटो भी लगा हुआ है। तो ये देख सकते हैं इसमें हमारे और पतिदेव का फोटो भी लगा हुआ है। और ये प्यारा सा थाली का सेट है, देख सकते हैं इसमें भी फोटो है जो कि बहुत ही प्यारा है। और ये चलनी है देख सकते हैं क्रियांश, ये देखो इसमें कौन है क्रियांश, इसमें कौन है, ये कौन है क्रियांश? गौर से देख रहा है इसमें कौन है। और ये मंगवाया है मैंने इंस्टाग्राम के एक ऑनलाइन पेज से, अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं तो मैं इसकी अपडेट डालूंगी इंस्टाग्राम पे। ये देख सकते हैं हमारा कुछ ऐसा हाल है हमारे घर का। क्रियांश मेरा चूड़ी ले आया और इस चूड़ी के पीछे हमेशा पड़ा रहा था, तो हमने बोला लो खेलो इसी के साथ। अच्छी बात ये है कि ये थ्रेड का, ये टूटने वाला है। और ये चूड़ी भी है ना, ये मॉम टू बी, जब क्रियांश होने वाला था ना तो उस टाइम मुझे मिला हुआ था ये मॉम टू बी लिखा हुआ है। तो फिलहाल जी हमें मिला है एक ब्रेक, और ब्रेक जो मिला है इंद्र देवता की तरफ से। जी हाँ, तो इंद्र देवता जो है बरस गए हैं और इस वजह से जो है भारत पाकिस्तान का मैच जो है रुका हुआ है। हाँ क्रियांश ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत कर रहा है, बहुत अच्छा हुआ कोई नहीं। तो अब चलते हैं जी नीचे क्योंकि हमारा लग गया है खाना, तो हम और शिवम दोनों मिलकर के चलते हैं नीचे, नीचे चल करके खाना खाते हैं। तुमको भी खाना है क्या? खाना है इस ऐसी तो चल ही रहा कर इस नया नया चीज सीख रहा है।
तो अभी हमारे लिए लगा हुआ है जो खिचड़ी। तो आज जो शनिवार है और शनिवार के दिन जो है हम लोग हमेशा खिचड़ी खाते हैं। खिचड़ी के साथ जो है आलू का चोखा रहता है, तो और जो है खिचड़ी में थोड़ा सा जान आ जाता है और ज़्यादा मज़ा आता है खाने में। और फिलहाल क्रियांश जो है अपने दादा दादी के पास गया हुआ है और वहाँ बैठ करके अपना खा रहा है। The next day. तो आ गए हैं जी नीचे और देख सकते हैं माँ ने जो है अपना किचन एकदम अलग कर लिया है। ऊपर में जो हम लोगों का किचन था उससे माँ ने अपना अलग किचन कर लिया है। तो चलिए जी माँ से जान ही लेते हैं कि आखिर क्या कारण है। ऊपर अच्छा खासा सब कुछ किचन था और यहाँ से बड़ा भी किचन है और यहाँ से थोड़ा सा मॉडर्न भी है, लेकिन माँ जो है नीचे ही प्रीफर किए कि यहीं पर माँ जो है खाना बनाएगी। आखिर ऐसा क्या हो गया अचानक? नहीं, इस बात कोई नहीं, जब हम दोनों पति पत्नी बिल्कुल सक्षम है तो यहाँ अलग होने का क्या सवाल है। हमारे दो बच्चे हैं, इतना छोटा परिवार है और आजकल सभी समझदार लोगों के परिवार इतना ही छोटा रहता है। तो जहाँ तक ऊपर और नीचे की बात है, दोनों घर का मालिक तो हम ही हैं। मेरा मन है कि हम कहाँ खाना बनाए, और खाना बनाने की जब तक बात है, हमारी दोनों बहू है, हम जिनको बोलेंगे वो खाना बनाएगी। लेकिन अभी मेरे घर में बहुत नटखट गोपाल आ गया है, जिसको एक आदमी को 24 आवर्स देखना होगा, तो हम उसमें जो अपना समय व्यस्त करते हैं तो हम उससे अच्छा समझते हैं कि हम जल्दी से खाना बना लें। बिल्कुल। और ऐसी कोई बात नहीं है कि हम अपने दोनों बहू को कहेंगे तो वो खाना नहीं बनाएगी। अभी हम सक्षम है सब कुछ करने के लिए। जब मेरा शरीर गिर जाएगा तो स्वतः हम उसको सुपुर्द कर देंगे सब। बिल्कुल जी, बात बिल्कुल जी, बात ये है, माँ ने जो है एक दो बार कोशिश भी किया कि चलो जिया ही खाना बनाएगी और हम जो है क्रियांश को संभाल लेंगे, लेकिन माँ को जो है कमर दर्द का दिक्कत है, घुटना में भी दर्द है और माँ को जो है सीढ़ी पर चढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो किचन जो है ऊपर से नीचे जो आया है, मेन कारण यह है कि सीढ़ी पर जो चलना पड़ता था, घुटना में जो दर्द होता था, पति पत्नी दोनों को कमर और घुटना दर्द से परेशान। बिल्कुल। दूसरा क्या होता था कि चलिए जिया ही खाना बना लेगी, फिर माँ जो है क्रियांश को पकड़ लेगी, लेकिन क्रियांश थोड़ा सा नटखट हो गया है। क्रियांश को लेकर के थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि माँ उसको गोद में उठा नहीं सकती है क्योंकि कमर में दर्द है। ऊपर से वो दौड़ाती रहता है, अब थोड़ा सा चलने लगा है, दौड़ने लगा है, तो माँ को भी पीछे दौड़ना पड़ता है। तो माँ सोची उससे अच्छा है किचन में चले जाओ, जल्दी काम हो जाएगा और बाकी जी अपना उधर देख लेंगे। झुक नहीं सकती है, झुक के नीचे से बच्चे उठाना मेरे बस की बात नहीं। तो हम उससे अच्छा तो खरा खरा किचन में खाना बना लेना। और रिटायरमेंट का 2 साल हुआ है और मेरी सभी सहेलियां नौकरी कर रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि मेरा 75 एज हो गया है जो हम काम नहीं कर पाते। खुशी होती है, मैं अपने हाथ से काम करके अपने बच्चों और अपने पति को खिलाती हूँ। इसी तरह करते धरते मेरा प्राण चला गया।